A very good morning students. In today's class, we are going to discuss radius of curvature at origin. Means the curve passes through origin, then we are required to find the radius of curvature. Okay? Radius of curvature find out karnege three methods. Hai. First is method of direct substitution, second is method of expansion, and third method is Newton's method. Is it right, students? Now let us see.

इज़ इट राइट स्टूडेंट यहाँ पर आप डायरेक्ट जस्ट ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी कर्व दे रखी होगी ठीक है उसमें क्या करोगे आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे कंडीशन क्या होगी वो जो कर्व है इट शुड बी इन एक्स एंड वाई फॉर्म ठीक है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे डी स्क्वाई बाई डी एक्वा डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करोगे जस्ट सब्सिट्यूट करोगे और आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट हो जाएगा नेक्स्ट कम्स मैथड ऑफ एक्सपेंशन मैथड ऑफ एक्सपेंशन में क्या होता है लेट

रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ऑ रीजन फाइन करने मीन्स द कर्व पासेज थ्रू अ रीजन कर्व पासिस थ्रू ऑ रीजन मीन्स जब एक्स जीरो होगा तो वाई भी क्या होगा जीरो मतलब जीरो जीरो से पास कर रहा है तो मतलब एक्स जीरो वाई जीरो इस ऐसा हुआ हमें पता वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो आपने क्या करा पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो तो क्या आजगा जीरो इज इक्वल्स टू एफ जीरो यही आया तो वही यहाँ फॉर एफ जीरो तो ये वैल्यू आप कहाँ सब्सिट्यूट करोगे वाई इज इक्वल टू दिस में मतलब आपके पास वाई क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्टोरियल एफ डबल डेरीवेटिव जीरो एंड सो ऑन इज इट राइट स्टूडेंट इसको हमने पी लेट कर लिया इसको हमने क्यू लेट कर लिया एंड आगे वाली जो एक्स क्यू बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा इसको हमने आर लेट कर लिया एंड एड इज इट राइट स्टूडेंट अब इसमें हम क्या करेंगे वाई वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसमें सब्सिट्यूट करेंगे हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट हो जाएगा वाई वन क्या होगा दैट इज डी वाई बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा पी प्लस इज इट राइट क्यू टू एक्स बाय टू इज इट राइट प्लस सो so, ओ तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया p पी प्लस क्यू एक्स आपको पता है यू हैव टू फाइंड वाई वन आट जीरो हमने यही बोला ना पी इज इक्वल टू वाई वन आट ज़ीरो मीन्स वाई वन जीरो तो पी प्लस बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी जीरो जीरो क्योंकि सबके साथ क्या है एक्स तो जीरो ज़ीरो सो तो वाई वन वैल्यू वाई वन आट जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी पी इज इट राइट स्टीन अब वाई टू मीन्स आपके पास ये है तो यहां पर टर्म क्या आएगी आर थ्री एक्स फैक्टोरियल एंड सो पाई सोम इसका डेरिवेटिव लेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मतलब क्या आएगा यहां पर p का डेरिवेटिव जीरो क्यों एक्स का डेरिवेटिव q इज इट राइट यहां पर क्या आ जाएगा थ्री आर टू एक्स एक्स स्क्टिव टू एक्स डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सोम तो अब आप पुट करोगे जीरो तो वाई टू एट जीरो क्या आ जाएगा क्यू प्लस यहाँ पर हर एक टर्म्स में आगे एक्स आएगा तो दैट इज जीरो प्लस जीरो सो ऑन दैट इज वाई टू एट जीरो क्या होगा क्यू मतलब क्यू की वैल्यू दैट इज एफ डबल डाइट डेरीवेटिव एट जीरो तो यही वैल्यूज आएंगे आपके पास इज इट राइट स्टूडेंट समझ आया मतलब आप क्या अप्रोच करोगे लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेज टू जीरो तो एंड वाई अप्रोचेज टू जीरो एन सो ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम्स न्यूटन्स मैथड न्यूटन्स मैथड में क्या होता है इफ़ एक्स एक्सेस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट अ रीजन अगर एक्स एक्सेस आपके पास टेंजेंट है एट अ रीजन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेज टू जीरो वाई अप्रोचेज टू जीरो एक्स स्क् वाई एक्सेस इज द टेंजेंट अगर वाई एक्सेस आपके पास टेंजेंट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेज टू जीरो वाई अप्रोचेज टू जीरो वाई स्क्वायर बाय टू एक्स इज इट राइट ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमें फाइंड आउट करना हो टू फाइंड टेंजेंट एट अ रीजन जो भी आपके पास कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी उसमें आप लोएस्ट डिग्री टर्म को लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करोगे इक्वेट कर दोगे जीरो से तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐट अ रीजन आ जाएगी इज इट राइट स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया नेक्स्ट कम्स कर्वेचर एट अ रीजन वेन पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन तो तब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा लिमिट ऑफ थीटा अप्रोचेस थी जीरो फॉर्मूलेज हमारे यूज होंगे इन एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री सी क्वेश्चन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन फॉर द कर्व टू एक्सक्वा टू एक्स की पार फोर प्लस फोर एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो अब क्योंकि इस कर्व की इक्वेशन में कर्व में कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है कॉन्स्टेंट टर्म इज एबेंट अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होती है तो देयर कर्व पास थ्रू पासज थ्रू ऑरिजन इज इट राइट में अब फिर हम क्या करते हैं लोएस्ट डिग्री टर्म को अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई न्यूटन्स मैथड फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट एट ऑरिजन टेंजेंट एट ऑरिजन क्या होता है लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो को इक्वेट करना जीरो से तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है इसमें माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स को जीरो से इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो मतलब वाई एक्स इज इज द टेंजेंट एट Region. अगर वाई टेंजेंट होता है ऑरिजन के देन बाय न्यूटन मैथ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है का, वाई स्क्वेयर बाय टू एक्स चाहिए ना तो आपने क्या करा थ्रू आउट डिवाइड कर दिया ऑन बोथ द साइड डिवाइडिंग बाय टू एक्स टू एक्स से डिवाइड करा तो यहाँ टू से टू कैंसिल एक्स फोर डिवाइडेड बाय एक्स दैट इज एक्स फोर एक्स क्यूब बाय फोर डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा टू टू एक्स से डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई सिमिलरली आपके पास ये आ जाएगा आपके पास ये टर्म्स बन जाएंगी जिसमें वाई स्क्वायर बाय टू एक्स है इज इट राइट अब हमें पता है कि जब हम लिमिट अप्रोच करते हैं एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एंड वाई अप्रोचेज टू ज़ीरो तो ये जो टर्म होती है वो क्या बन जाती है रो इज इट राइट तो जब हम एक्स को अप्रोच करेंगे ज़ीरो को तो दिस टर्म इज ज़ीरो तो हमें ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस सिक्स इंटू इसको अप्रोच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रो ठीक है इंटू वाई है इंटू वाई है तो ये भी ज़ीरो हो गया ये टर्म हो गई ना हमारे पास ये टर्म रो हो गई बट इंटू वाई है तो ये भी क्या हो गया ज़ीरो फिर माइनस ऑफ थ्री बाय टू एक्स की वैल्यू ज़ीरो माइनस ज़ीरो अब इस पर अप्रोच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रो क्योंकि इसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई नहीं है तो इट वुड बी रो माइनस टू इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास टू इज इट राइट स्टूडेंट ठीक है यहाँ पर रो के साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा था तो वाई की वैल्यू तो जीरो है जीरो मल्टीप्लाई समथिंग इज जीरो तो ये वाले में हमारे पास ये वाली टर्म भी जीरो आ गई इज इट राइट स्टूडेंट ना नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजन ऑफ द कर्व दिस अब इस कर्व में भी क्या है कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है तो मतलब कर्व पासिस थ्रू ऑरिजन कर्व पासिस थ्रू ऑरिजन उसके बाद हम क्या करते हैं वी फाइंड टेंजेंट एट ऑ टेंजेंट एट ऑरिजन फाइंड आउट करने के लिए हम लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करते हैं इक्वेट करते हैं जीरो को इस टर्म की डिग्री कितनी है टू इस टर्म की डिग्री कितनी है टू इस टर्म की डिग्री वन इस टर्म की डिग्री वन मतलब लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी होगी वन वाली तो वन डिग्री वाली मीन्स टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट इज टेंजेंट एट ऑरिजन इज इट राइट स्टूडेंट अब टेंजेंट एट ऑरिजन आया अब यहाँ से ना नीदर इट इज अब यहाँ पर जो टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो है मतलब इसमें ना एक्स इस टेंजेंट एट अ रीजन ना निधर वाई एक्स टेंजेंट एट अ रीजन तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वी विल यूज द मेथड ऑफ एक्सपेंशन नाउ लेट अस सी मेथड ऑफ एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है वी पुट वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्या होगा एक्सक्वेयर बाई टू फैक्टोरियल प्लस आर एक्स क्यू बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ओन वि माइक्लॉरेंस एक्सपेंशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व तो आप इसको इक्वेशन में पुट कर्व uh, में पुट करोगे दैट इज हमारे पास यही था ना कर्व दैट इज एक्सक्र प्लस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो तो बस इसमें हमें पीयर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि पीअर क्यू की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करनी है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वन प्लस पी स्क्वायर की होल पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय क्यू तो आपने क्या करा इक्वेटिंग द कॉफिशियंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायेर वी हैव ना अगर एक्स के कॉफिशियंट को कंपेयर करें तो ये देखो स्क्वायर है तो इसमें तो कोई एक्स का को कॉफिशियंट है ही नहीं यहाँ पर एक्स को यह का कॉफिशियंट टू एक्स है टू है या एक्स का कॉफिशियंट पी है और इधर कोई भी नहीं है दैट इज़ हम इसको जीरो कैसे लिख सकते ना जीरो इंटू एक्स प्लस ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब तो क्या आ जाएगा इधर टू माइनस पी इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स और इधर एक भी नहीं है तो टू माइनस पी इज जीरो मीन्स पी की वैल्यू क्या हो गई टू फिर अब हम कंपेयर करेंगे कॉफिशियट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ वन इसको कंपेयर इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्र एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद फर्दर हायर डिग्री टर्म्स आएंगी तो क्या आ जाएगा सिक्स पी स्क्वायर इज इट राइट और यहाँ पर क्या है क्यू बाय टू फैक्टोरियल और उधर कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा वन प्लस एक्स पी स्क्र माइनस क्यू बाय टू फैक्टोरियल इज जीरो फिर आपको पता है यू हैव आपने p इक्वल टू टू फाइंड आउट करा तो वो इसमें सब्सिट्यूट करोगे क्यू की वैल्यू आ जाएगी पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो यू कैन सिंपली राइट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस सिंपल फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करोगे पी और क्यू की वैल्यू और आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा आंसर आ जाएगा इज इट राइट स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर थ्री विच इज फाइंड द रेडियस ऑफ करवेचर एट द ऑरिजन ऑफ द टू ब्रांचेस ऑफ द कर्वन बाय एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टी वाई इज इक्वल टू टी माइनस टी क्यूब तो वाई इज इक्वल टू टी माइनस टी क्यूब है एंड एक्स क्या है हमारे पास वन माइनस टी स्क्वायेर ठीक है अब मेरे को कर्व को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई तो मैं उस अकॉर्डिंग करूँगी सो दैट मैं इन दोनों में से टी को एलिमिनेट करूँ मतलब इन दो कर्व्स में से मुझे क्या करना है टी को एलिमिनेट करना है तो मेरे पास वाई क्या है टी माइनस टी क्यूब टी कॉमन लेंगे तो वन माइनस टी स्क्वायेयर वन माइनस टी स्क्र की वैल्यू क्या है एक्स तो क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू टी एक्स मतलब टी की वैल्यू क्या हो गई वाई बाई एक्स ठीक है अब ये t की वैल्यू आप किसी में भी सब्सीट्यूट कर सकते हैं एज इफ मैंने यहाँ पर सब्सीट्यूट करी तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये आपके पास कार्टीजियन इक्वेशन आ जाएगी कर्व की इज इट राइट अब इस इक्वेशन ऑफ कर्व में भी क्या है कॉन्स्टेंट इज एब्सेंट कॉन्स्टेंट एब्सेंट है तो द कर्व पासेज थ्रू अरिजन यहां पर मैंशन करोगे सिंस कॉन्स्टेंट इज एब्सेंट सिंस कॉन्स्टेंट इज एब्सेंट इन इक्वेशन ऑफ कर्व देर फॉर कर्व पासिस थ्रू अरिजन इज ए प्राइट स्टूडेंट अब और से पास करा, और टेंजेंट ना तो रीजन क्या होगा लोएस्ट डिग्री को टर्म को इक्वेट करेंगे जीरो को तो लोएस्ट डिग्री टर्म इसमें एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना हम एक्स क्यूब माइनस एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ठीक है लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करोगे जीरो से तो मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो मतलब वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अब इस केस में भी आपके पास जो टेंजेंट है इट इज नीदर एक्स एक्सेस ना ना ही वो y एक्सेस पर है इज इट राइट हम जो अगर हमारा टेंजेंट x एक्सएक्सेस या y एक्सेस टू द कर्व है तब हम न्यूटन्स मैथड अप्लाई करते हैं अदरवाइज हम न्यूटन्स मैथड अप्लाई नहीं करते ठीक है तो हम क्या यूज़ करेंगे मैथड ऑफ एक्सपेंशन तो वाई पुट y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू एक्सक्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस आर एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन विद मेकलोरेंज एक्सपेंशन इस y की वैल्यू आप इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करोगे ठीक है फिर इक्वेटिंग द कॉफिशियंट ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर इधर x का कोई कॉफिशियंट नहीं है ना एक्स स्क्र का तो जीरो इधर एक्स स्क्र का कॉफिशियंट का, का क्या है दैट इज वन माइनस पी स्क्वायर दैट इज पी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस वन इज इट राइट अब x का ना इधर कॉफिशियंट है ना इधर कॉफिशियंट है तो वट आई विल बी डूइंग इक्वेटिंग द कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब का इधर वन है इधर नहीं है यहाँ पर ये मानो a है दिस इज़ b ठीक है ना तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस सोन का स्क्वायर ऑब्वियसली स्क्वायर वाली टर्म से स्टार्ट हुआ हुआ है तो इसमें ग्रेटर देन टू ही आएगा मतलब टू का स्क्वायर मतलब फोर है ना तो उससे ज्यादा पावर्स आएंगी प्लस टाइस ऑफ ए बी ये होगा ना क्या हुआ टू फैक्टोरियल तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स क्यूब का कॉफिशियंट आएगा दैट इज टू पी क्यू बाय टू फैक्टोरियल तो वो क्या हो जाएगा पी क्यू उधर एक्स क्यूब का कॉफिशियंट क्या है वन और इधर पी क्यू ठीक है एक बार आपने पी को वन पुट करा पी को वन पुट करा तो क्यों हुआ, क्या हुआ हमारे पास वन सॉरी सॉरी पर माइनस भी है ना तो यहाँ इस टर्म के बाहर सारा माइनस आएगा कॉफिशियंट माइनस टू पी क्यू डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल मतलब यहाँ माइनस पी क्यू आएगा तो जब पी वन तो क्यों माइनस वन जब पी माइनस वन तो क्यों क्या होगा वन पता चला ना माइनस कैसे आया क्योंकि इस टर्म के बाहर ओवरऑल माइनस है तो अंदर तो हमारा सॉल्व करके पी क्यो ही आ रहा है तो पर ये बाहर वाला माइनस उसके साथ आएगा तो उसके कॉफिशियंट क्या बन जाएगा माइनस पी क्यू ठीक है तो इसमें हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा पहले हम कैलकुलेट करेंगे p इज इक्वल टू वन एंड क्यू इज़ इक्वल टू माइनस वन यही करा ना P की वैल्यू प्लस माइनस वन आई P क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू तो माइनस वन आई तो जब P वन क्यू माइनस वन जब P माइनस वन तो क्यो वन तो रो क्या होगा वन प्लस पी स्क्वायर की होल पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय क्यू तो पी स्क्वायर चाहे पी वन हो चाहे माइनस वन हो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस वन सॉरी प्लस वन वन का स्क्वायर इज वन एंड माइनस वन का स्क्वायर भी क्या होता है तो क्यों so की वैल्यू चेंज हो सकती है प्लस माइनस वन तो हमने प्लस माइनस वन कर दी सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा प्लस माइनस टू रूट थ्री विच आर द रेडियाज ऑफ द कर्व विच इज द रिक्वायर्ड आंसर इज इट राइट स्टूडेंट नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर फोर फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पोल टू द कर्व आर इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर्ट पोल का फॉर्मूला क्या होता है लिमिट ऑफ थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन बाय टू डी आर बाई डी थीटा जस्ट इसको सॉल्व करना और आपके पास रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा इज इट राइट स्टूडेंट और दिस मच फॉर टुडे क्लास नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ करवेचर सर्कल ऑफ करवेचर एंड इवेल्यूट इज इट राइट स्टूडेंट